हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नप्ते। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो एकेडमिक ईयर 2024-2025 अभी इस मंथ में या जून मंथ में शुरू होने वाला है, और जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हो, चाहे वो CSIR इंस्टीट्यूट, तो इन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे शुरू होती है। और बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट्स में उनके कुछ सेल्फ गाइडलाइंस हम कह सकते हैं, क्राइटेरिया कह सकते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो फॉर्म भर के फिर एडमिशन प्रोसेस हो, तो इस तरह से ये एडमिशन प्रोसेस इनके द्वारा कंडक्ट की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है। इसी तरह से ये जो एकेडमिक ईयर 2024-2025 है, इस एकेडमिक ईयर के लिए वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड टू शुगर एज वेल एज अलाइड इंडस्ट्री, एंड ये लोकेटेड है पुणे में, एक फेमस इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट चलता है। एट द सेम टाइम सम कोर्सेस आर ऑल्सो कंडक्टेड और ऑर्गेनाइज बाय दिस वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, एंड दे इम्प्लीमेंट स्पेशल प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू दिस कोर्सेस। तो इस साल की जो एडमिशन प्रोसेस है, इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, या फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी दोस्त के लिए भी काम आ सकती है, कुछ रिलेटिव के लिए काम आ सकती है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको, क्योंकि बहुत सारे एक दो साल पहले भी मैंने इस एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड एक वीडियोस डाला था मैंने यूट्यूब पर, तो उस टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आए थे, कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे इंटरेस्टेड है कि इस इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेस रन किए जाते हैं वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में, जैसे कि अल्कोहल टेक्नोलॉजी है, शुगर टेक्नोलॉजी है, MSc वाइन टेक्नोलॉजी है, वाइन एंड ब्रेविंग टेक्नोलॉजी, देन एनवायरमेंटल साइंसेस है, तो इस तरह के अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अगर बाकी के कॉलेजेस में ये जनरली रूटीन कोर्सेस होते हैं, लेकिन ये जो वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे इस टाइप के कोर्सेस कंडक्ट किए जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो या फिर आपको इंटरेस्ट है इस ऐसे कोर्सेस में, तो आप इस एडमिशन प्रोसेस में भाग लेके अप्लाई करके इस कोर्सेस के लिए ट्राई कर सकते हो। तो जब आप वेबसाइट खोलते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो जब आप वेबसाइट, मेन वेबसाइट जब आप ओपन करोगे, तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एकेडमिक करके, और उसके नीचे बहुत सारे सब ऑप्शंस यहाँ पे है, जैसे कि वाई स्टडी एट वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, एडमिशंस, देन एकेडमिक कैलेंडर, न्यूज़ और अनाउंसमेंट्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्टूडेंट सपोर्ट, कोर्सेज कंटेंट, फीस डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी आपको, और लास्ट ईयर का अगर कुछ रिजल्ट्स वगैरह तो वो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। हॉस्टल फैसिलिटीज, देन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसमेंट सेल, देन एलुमनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस एकेडमिक सेक्शन के अंडर मिलेगी। अगर हम एक एक करके देखेंगे शॉर्ट में, ब्रीफ में, मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट है सभी तो नहीं दिखा सकता यहाँ पे, मतलब वो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्हाई यू आर विशिंग टू स्टडी एट VSI, मतलब आप क्यों पढ़ना चाहते हो VSI के लिए, या फिर आपने क्यों चूज किया है वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट। तो जैसे मैंने पहले बोला कि ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिलेटेड इन शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्री, पुणे में लोकेटेड है, और ये इनके कुछ, उन्होंने फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, फैसिलिटीज एट VSI, ट्रेनिंग क्वालिटी, एकेडमिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन करियर और प्लेसमेंट्स। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई कोर्स करते हैं तो हमारा एक मेन पर्पस जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, वो होता है कि भाई इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद या फिर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट के बारे में क्या है, या फिर हमें जॉब मिल सकते हैं क्या, तो मिल सकते हैं तो कहाँ मिल सकते हैं, तो इनके रिगार्डिंग भी इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है प्लेसमेंट के। तो अलग अलग कंपनी जो है, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं VSI में, जो सो दिस स्टूडेंट्स, दे आर डिफरेंट कंपनीज, दे आर कंसिडर्ड दिस स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट।
फॉर देयर सुटेबल पोस्ट इन दैट इंडस्ट्रीज और कंपनीज। और जैसे कि ये पोस्ट जो है ये सीग्राम डिस्टिलरीज, देन रावलगांव शुगर्स, देन यूनाइटेड स्पिरिट्स बेंगलोर, पायनियर डिस्टिलरीज, ये अलग अलग कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है यहाँ पर जो कि मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, तो इन स्टूडेंट्स के लिए ये अलग अलग कंपनी में वहाँ पे स्कोप है या फिर उनको जॉब मिल सकते हैं अगर उन्होंने अच्छी तरह से कंप्लीट किया कोर्सेस, नॉलेज अच्छी तरह से है, हैंड्स ऑन अच्छी तरह से है, तो डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स को तो जॉब मिलना ही मिलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि आप कोई भी कोर्स अगर करते हो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है योर कोर्स, इंस्टेड ऑफ हैविंग स्कोप टू योर कोर्स, आई वुड लाइक टू से योर नॉलेज हैज द स्कोप। अगर आपको नॉलेज अच्छी तरह से है तो आपके लिए स्कोप भी अच्छी तरह से है। तो ये अलग अलग कंपनीज हैं, डिस्टिलरीज वगैरह। तो उसके बाद अगर हम एकेडमिक्स में जाते हैं फिर से, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में दिया है उन्होंने कि जैसे अभी मैंने बोला कि ये जो एकेडमिक ईयर है 2024-25 इसके लिए ऑलरेडी एडमिशन्स प्रोसेस यहाँ पे शुरू है। और अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ से ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो। कि जब आप इस पर क्लिक करोगे ये लिंक पर तो आपके लिए एक एडमिशन प्रोसेस का फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, स्टेप्स फॉर सेंडिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, तो ये अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे इन्होंने दिए है एकेडमिक ईयर जो 2024-25 के लिए। और इस तरह से अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे दिए है, फॉर्म फीस यहाँ पे दिए है उन्होंने, और उसके बाद ये नीचे आपको फॉर्म भरना है। सी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट ऑफ एडमिशन फॉर्म इज 24/6/2024, मतलब 24 जून 2024 तक आप ये फॉर्म वहाँ पे भर सकते हो। लेकिन इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर लास्ट डेट इट विल बी बेटर इफ यू अप्लाई अर्लियर। सो इस तरह से ये फॉर्म आपको फिलअप करना है प्रिंट आउट निकाल के, और उसके बाद आपको उन्होंने जो प्रोसेस बताई है उस तरह से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है सेंड करना है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। फिर से हम एकेडमिक सेक्शन में जाते हैं बैक करके। सो इस तरह से ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं आप क्लोज करता हूँ। और फिर से जब हम एकेडमिक सेक्शन में, ये तो मैंने बोल दिया आपको कि चलो ये फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये एकेडमिक कैलेंडर है उनका जो कि फॉर एडमिशन फॉर्म जो अभी मैंने दिखाया, और ये यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एकेडमिक कैलेंडर जो है 2024-2025 का वो आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरह से इश्यूएंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड एडमिशन फॉर्म दैट इज फर्स्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स, दैट इज ऑन वेबसाइट। उसके बाद रिटर्न टेस्ट है, इंटरव्यू एट VSI मांदरी बुद्रुक पुणे, दैट इज द टेंटेटिव डेट्स हियर, दैट इज सेकंड वीक ऑफ जुलाई 2024। देन कमेंसमेंट ऑफ सेमिस्टर 1, 3 एंड 5, दैट इज 23rd जुलाई 2024। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपको मतलब ये एकेडमिक कैलेंडर उन्होंने दिया है। उसके बाद फिर से हम एकेडमिक सेक्शन में जाके जो कोर्सेस यहाँ पे है या फिर उसके बाद हम देखेंगे फीस डिटेल्स। अगर हम देखते तो ये इस तरह से ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस उन्होंने दी है। तो इस तरह से ये उनकी डिटेल्स है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के, डिटेल्स ऑफ ट्यूशन फीस एंड दैट इज फॉर दैट डिप्लोमा कोर्सेज, शुगर टेक्नोलॉजी, शुगर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, देन शुगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये इस तरह से ट्यूशन फीस है। उसके बाद स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र के लिए अलग फीस है एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र के लिए अलग फीस है। ओके उसके बाद फीस फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी, सेम थिंग इज अगेन स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र 77,000 पर क्वेश्चन मनी डिपॉजिट 1,000। सो टोटल फीस फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर द कोर्स इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी दैट विल कम 78,000 रुपीज एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र इट विल बिकम 1,11,000 रुपीज। देन दिस इज फीस फॉर MSc एनवायरमेंटल साइंसेस, देन दिस इज फीस फॉर MSc वाइन ब्रेविंग एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी, एंड लेटर ऑन फीस फॉर शुगर मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट और शुगर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, देन फीस फॉर शुगर बॉइलिंग सर्टिफिकेट, और यहाँ पे नीचे दिए उन्होंने हॉस्टल फीस। तो ये हॉस्टल फीस यहाँ पे है दैट इज फॉर पर ईयर 18,000 रुपीज, देन हॉस्टल मेस डिपॉजिट 2,000 रुपीज, तो टोटल फीस विल बिकम 20,000 रुपीज पर ईयर। ओके देन गर्ल्स हॉस्टल फीस पर ईयर 28,000 रुपीज एंड हॉस्टल मेस डिपॉजिट 2,000। सो फॉर गर्ल्स द टोटल फीस इन फॉर हॉस्टल
इट विल बिकम 30,000 rupees. देन इंटरनेशनल हॉस्टल फीस भी यहाँ पे दी है पर ईयर 70,200 rupees एंड इंटरनेशनल हॉस्टल मेज डिपॉजिट 5,000 rupees. सो द टोटल फीस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इट विल बिकम 84,200 rupees. तो इस तरह से ये फीस स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे दिया है, ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस का स्ट्रक्चर. अगेन फिर से हम यहाँ पे जाते हैं एडमिशन प्रोसेस में जो अभी देखा हमने, उसके बाद कुछ जो कोर्सेस यहाँ पे है वो कोर्सेज मैं आपको बताता हूँ कि कौन से कोर्सेस यहाँ पे मतलब एडमिशन प्रोसेस रहती है, एडमिशन दी जाती है. तो ये है एलिजिबिलिटी, जस्ट वन मिनट आई विल चेक हियर. सी ये अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे है और इनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे उन्होंने दी है कि मतलब अगर आपको शुगर टेक्नोलॉजी कोर्स को एडमिशन लेना है या फिर अप्लाई करना है तो कौन सी एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए. इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी, शुगर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, शुगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा. सो ऑल दिस फोर आर द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज. उसके बाद ये जो दो जो है शुगर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट एंड शुगर मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट, ये पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज है. उसके बाद ये सर्टिफिकेट कोर्सेज है शुगर बॉइलिंग सर्टिफिकेट, जूस सुपरविजन सर्टिफिकेट एंड ETPU ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेट. एंड उसके बाद कुछ MSc कोर्सेज भी यहाँ पे है जो कि एफिलिएटेड टू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी. ओके, तो एक है MSc इन वाइन ब्रेविंग एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी एंड दूसरा है MSc इन एनवायरमेंटल साइंस. तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे एक एक कोर्स के नाम पर तो आपको उसके डिटेल एलिजिबिलिटी के बारे में पता चलेगा. जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी पर, तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल दिया होगा कि मतलब क्या एलिजिबिलिटी है और किस तरह से. ये लास्ट ईयर का दिख रहा है इनका लिस्ट ऑफ एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट, सो यू कैन चेक दैट लेटर ऑन ऑल्सो. तो इस तरह से ये अलग अलग कोर्सेस, मतलब आप जनरली अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस होता है तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के लिए भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और अगर MSc आपको करना है तो भी आपको यहाँ से मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए. फिर अपीयर भी अगर होते हैं तो तब तक आपका रिजल्ट आता है तो आप यू कैन अप्लाई फॉर दिस ऑल्सो इफ यू आर अपीयरिंग स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर. ओके, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी. उसके बाद जो है कोर्स कंटेंट, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि किस तरह से मतलब इनकी एडमिशन में जाने के बाद फिर से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी जहाँ पर सिलेबस उन्होंने दिया है, सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट. तो ये भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर. जैसे ये एंट्रेंस टेस्ट कंटेंट्स से शुगर टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप देखोगे, एंट्रेंस टेस्ट कंटेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ 100 marks एंड दीज सब्जेक्ट्स इंक्लूड जनरल केमिस्ट्री 50 marks, मैथमेटिक्स 30 marks एंड जनरल इंग्लिश 20 marks एंड दैट सिलेबस विल बी एज पर BSc इक्विवेलेंट शुगर टेक्नोलॉजी के लिए. ये सेकंड का अगर आप देखते हो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी, तो अगेन यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 100 marks के लिए और जो सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा सिलेबस में वो है जनरल केमिस्ट्री 40 marks, बायोलॉजिकल साइंसेस 40 marks एंड जनरल इंग्लिश 20 marks एंड जो लेवल जो रहेगी इसकी तो वो BSc इक्विवेलेंट हो, इट इज इक्विवेलेंट टू BSc. ये MSc एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए, MSc वाइन ब्रेविंग एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी के लिए. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जब जाओगे आप वेबसाइट पर VSI के वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के, तो एकेडमिक सेक्शन में आपको पूरे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे. अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये आप एक एक सेक्शन यहाँ पे टैब आप देख सकते हो. जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पर है, एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है. यूजफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी. ये एकेडमिक जो अभी मैंने बताया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये IPSC, ये अकाउंट्स, ये मास कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्टर्स. ओके, तो इस तरह से आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी. कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे दिए तो यहाँ से भी आप मेल पर या अगर उन्होंने नंबर दिए तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच कोर्सेज सो डेफिनेटली यू विल यू हैव टू अप्लाई फॉर सच कोर्सेज, दैट विल बी अ डिफरेंट फील्ड for you. Okay, and share this video also with your students, with your relatives as well as with your friends, so that they will get information about these courses and they will get a chance to take education or to complete that courses in such a
प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे। थैंक यू।